Assalamualaikum guys, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपना खुद का मिड जर्नी कैसे बना सकते हैं। आप सब मिड जर्नी ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन मिड जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आज मैं आपको अपना खुद का मिड जर्नी बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको मिड जर्नी यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ से हम अपना ChatGPT ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे Write a complete code to take input keyword and generate image using OpenAI API using HTML and JavaScript. उसके बाद हम यहाँ से enter press कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इससे अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल अप करेंगे और मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो गाइस, डेस्कटॉप पर आने के बाद हम यहाँ से डेस्कटॉप पर अपने राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद कोड पे क्लिक कर अपना डेस्कटॉप का जो फोल्डर है वो VS कोड में खोल लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप का जो फोल्डर है वो यहाँ पर खुल चुका है। तो गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेनी है। मैं इस फाइल का नाम रखूंगा मिडजर्नी .html। उसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। उसके बाद हम वापस अपने ChatGPT पे चलते हैं और यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और वापस से VS कोड पे जाता हूँ। उसके बाद मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा OpenAPI की। तो यहाँ पर आपने अपनी API की डालनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप वहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से गूगल पर जाएंगे, तो न्यू टैब पर आना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे OpenAI। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा API का, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर लें। यहाँ से आप इसे लॉगिन कर लें और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप कर लें। मेरा अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करूँगा। और यहाँ से मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस, साइन इन होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास आपकी ईमेल का जो है वो लोगो आ रहा होगा, आप यहाँ से इस पर क्लिक करें। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा व्यू API की, इसका आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर लें। तो गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है आपकी API की आ जाएगी। आप यहाँ से इसे कॉपी करें। मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ और वापस से अपने VS कोड पे जाता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है OpenAPI की, मैं इसे यहाँ पे डबल प्रेस करके यहाँ पर अपनी API की जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल को सेव करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमारी फाइल है यहाँ पर आ रही है। मैं इसे खोल लेता हूँ अपने गूगल पे। तो गाइस, इसे गूगल पे खोलने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉग इन सूट। उसके बाद मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूंगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इमेज जो है वो जनरेट हो गई है। गाइस, पर आप देख सकते हैं कि ये अभी मिड जर्नी के जैसा लुक नहीं दे रहा है। तो गाइस, इसको मिड जर्नी के जैसा बनाने के लिए हम वापस अपने ChatGPT पे चलते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट जो था वो मिड जर्नी जैसा नहीं था और ये बहुत रफ सा लग रहा है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि एड सम CSS टू मेक इट लुक्स गुड एंड रिजल्ट लाइक मिड जर्नी। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड आ चुका है। उसके बाद हम इस कोड को यहाँ से सेव कर लेते हैं और फिर हम वापस अपने गूगल पे चलते हैं। और गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से बेहतर हो चुका है। अब हम इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डॉग्स इन सूट। उसके बाद मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मिड जर्नी की तरह ही इमेजेस आ रही हैं।
तो गाइस आप इन इमेजेस को सेव भी कर सकते हैं मिडजर्नी की तरह ही। उसके बाद मैं आपको एक और ट्रायल दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मैन ऑन शॉप। उसके बाद मैं वापस से जनरेट इमेज पर क्लिक करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास मिडजर्नी की तरह ही इमेजेस जो है वो जनरेट हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्थ इमेज जो है उसमें मैन का जो फेस है वो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एट अ टाइम इमेजेस जो है वो जनरेट कर रही है, तो इस वजह से जो है वो फेस थोड़ा क्लियर नहीं है। आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि फेस जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो गाइस अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।